हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ये आपका फोर्थ पेपर है और फोर्थ पेपर में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। हमारा फर्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स और सेकंड पार्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। दोनों पार्ट मिला के 100 मार्क्स कवर करते हैं, जिसमें से 60 मार्क्स के लिए आपको फर्स्ट पार्ट दिया जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या स्टडी करते हैं एक बार हम क्लियर कर लेते हैं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। सबसे पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक में आप ये जानेंगे कि क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इसके बारे में जो परफेक्ट नॉलेज है वो हम इस चैप्टर से लेंगे। उसके बाद हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर बेसिकली इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर किसी सब्जेक्ट का किसी टॉपिक का है तो वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का है। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमारा सेकेंड चैप्टर होगा। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये आपके टॉपिक रहेंगे जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन आ गया, कॉस्ट आ गया, अब प्रोडक्शन और कॉस्ट आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम चलेंगे मार्केट, मार्केट में मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन एंड डिफरेंट मार्केट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा बिजनेस साइकिल। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो माइक्रो और मैक्रो को मिक्स करके बनाया गया, लेकिन मैक्रो का हम सिर्फ एक ही टॉपिक लेते हैं एंड दैट इज बिजनेस साइकिल। बाकी ओवरऑल बात की जाए तो हम सिर्फ माइक्रो स्टडी यहां पे कर रहे हैं और सिर्फ माइक्रो कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, ये सब चैप्टर जो है ये माइक्रो को बिलोंग करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो से और एक लास्ट टॉपिक जो हमारे इकोनॉमिक्स में है वो बिजनेस साइकिल है, तो वो लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली माइक्रो मैक्रो को मिक्स करके ये बनाया गया है मॉड्यूल, लेकिन मैक्रो को बहुत कम वेटेज दिया गया है। मैक्रो के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो है बिजनेस साइकिल, और ये टोटल आपको 60 मार्क्स दिलाएगा। 60 मार्क्स का टॉपिक है आपका ये। आपका ये पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको चॉइसेस मिलेंगी, ए बी सी डी ऑप्शंस होंगे, आपको चार में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर राइट आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत किया तो -0.25। तो समझ के सॉल्व करना है पेपर को, क्योंकि क्या होता है कई बार ऑब्जेक्टिव पेपर दिखाई देता है, पेपर ऑब्जेक्टिव है, बस टूट पड़ते हैं। क्या करना है, तुक्का ही तो मारना है, नहीं आए तो तुक्का मार दो, नहीं गलती मत कर लीजिएगा आप ऐसे, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर मैटर करता है हमारे लिए मैटर करता है, एक सिंगल मार्क भी हमारे लिए मैटर करता है। तो एक भी गलती नहीं, 100 out of 100 लाना है हमें, 100 out of 100 कैसे आएगा जब एक भी सिली मिस्टेक वहाँ पे नहीं होगी। छोड़ देना, ज़्यादा बेटर है, छोड़ देने पे नुकसान सिर्फ एक नंबर का होगा, गलत करने पे नुकसान 1.25 का होगा। कैसे, 1 तो गया ही गया और 0.25 और गया, जो सही किया था उसमें से भी 0.25 कम हो गए। तो ये गलती मत कीजिएगा, पेपर ऑब्जेक्टिव है, सोच समझ के सॉल्व करना है। और ये आपका पहला पेपर है 60 मार्क्स का आपका पेपर जो आपको अटेंड करना है। इसके बाद आपको 40 मार्क्स के लिए सेकंड पेपर मिलेगा, और जो सेकंड पेपर आपका होगा वो होगा आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज BCK। इसमें टोटल जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे वो आपके 6 चैप्टर होंगे, जिसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे BCK का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का क्या इंट्रोडक्शन है। उसके बाद बिजनेस एनवायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने 11th या 12th क्लास BST में पढ़ी है, ऐसी ही कुछ और चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया की जो इंडिया और अब्रॉड की जो मोस्ट कंपनीज हैं उन कंपनीज की डिटेल आपको इस चैप्टर में मिलेगी। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है, कैसे पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी की रीज़न क्या है, पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, ये सब जानेंगे आप चैप्टर 4 में। देन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस को हेल्प करते हैं, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हमें हेल्प कर रहे हैं, फैसिलिटेटिंग बिजनेस, जो हमारे
जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्टडी यहाँ पर की जाएगी, एंड देन टर्मिनोलॉजी, ऐसे आपको कुछ वर्ड और मीनिंग दिए जाएंगे, कुछ वर्ड्स हैं ये उनके मीनिंग है और वर्ड एंड मीनिंग आपको यहाँ पे देखने हैं। तो बेसिकली ये आपका पेपर 40 मार्क्स का, और अच्छी बात यह है कि ये भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पर भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज को इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ कैलकुलेशंस होंगी, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, लेकिन इस पेपर के क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन ऐसे कि अगर आपकी नॉलेज परफेक्ट है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हम कवर कर रहे हैं 40 मार्क्स बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज से, और 60 हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पार्ट से जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। जिन लोगों ने 11th और 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है पहले और आप फाउंडेशन कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो आप कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है और बहुत ईजिली आप उसको कवर कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। लड़ाई जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट की है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने 11th 12th में इको पढ़ी हुई है लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, फिर चाहे आप पढ़ के ही क्यों ना आए। मैंने 11th में इको पढ़ी, 12th में इको पढ़ी लेकिन मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी आपके पास मौका है, और मौका है कि आप हमारे साथ चलिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और 100 out of 100 लेके आइए। तो हमारी पूरी कोशिश है 100 out of 100 दिलाने की। तो आज हम शुरुआत करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो शुरुआत लॉ ऑफ डिमांड से की जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड पे चलने के लिए आप छोटा सा काम करेंगे और आएंगे आप अपने चैप्टर नंबर 2, ICAI मॉड्यूल पूरा कवर किया जाएगा, पूरा ICAI मॉड्यूल को हम कवर करेंगे, क्योंकि CA का रूल है कि वो अपने मॉड्यूल से बाहर बहुत कम जाता है, ना के बराबर नहीं जाता है। जो पूरा आपका पेपर आना है वो पूरा पेपर आपके ICAI मॉड्यूल में से ही होगा, और मॉड्यूल से बाहर वो बिल्कुल नहीं जाएंगे और मॉड्यूल से बाहर हम भी नहीं जाएंगे। वो पूरा पेपर मॉड्यूल में से ही देंगे और हम पूरा पेपर मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे। तो अगर वो मॉड्यूल से देंगे और हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं है। तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने पूरे मॉड्यूल को क्लियर किया है तो। तो आइए मॉड्यूल पे चलते हैं, चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड। जैसा कि मैंने कहा, वो लोग जो इको नहीं पढ़े हैं पहले, और जो लोग इको पढ़े हैं पहले, जिन्होंने पहले पढ़ी है 11th 12th, यहाँ पर आके दोनों इक्वल है, कॉमन। अगर वो सोच रहे हैं कि बहुत बेटर नॉलेज हमारे पास है, नॉलेज है नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर वो लेवल नहीं है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर का डिफरेंस क्या होता है? सब्जेक्टिव पेपर कहता है व्हाट इज डिमांड, आपने डिमांड की डेफिनेशन बताया, काम खत्म हो गया। यहां पर आपको डेप्थ में जा रहा है, वहां पर आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, सिंपल से एक लॉ ऑफ डिमांड था, आपने क्लियर कर दिया, यहां पर उसमें भी डेप्थ में जाना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस किए जाएंगे जहां पर आपको रियल में फील होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एक बार ही कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो अगली बार वो क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। और यहां पर फाउंडेशन में जीत उसकी है जिसने प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस की। तो इसके लिए आपके मॉड्यूल में तो क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बुक MCC की तरफ से मिलेगी जिस बुक के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ दमदार क्वेश्चंस आपके लिए हमने रेडी किए हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और उसके बाद आप जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो काफी हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
तो स्टार्ट मीनिंग ऑफ डिमांड से करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिटरमाइन डिमांड, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, कौन डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है डिमांड को, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। सो मूवमेंट एंड शिफ्ट, अब मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घूम जाते हैं, कई बार बहुत घुमा घुमा के पूछता है क्वेश्चन वो, तो ध्यान से। देन इलास्टिसिटी, प्राइस क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी। तो ट्वेल्थ तक जो हमने इलास्टिसिटी पढ़ी, उस इलास्टिसिटी में हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा। आज जब आप पढ़ेंगे तो प्राइस क्रॉस और इनकम इलास्टिसिटी भी आएगी, और एक और पार्ट भी ऐड हुआ है यहाँ पे, और वो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी है, ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद डिमांड फॉरकास्टिंग भी यहाँ पे आपको पढ़नी है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ना है क्योंकि डिमांड और सप्लाई दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी नॉलेज हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। सो डिमांड स्टार्ट करेंगे आज हम, और डिमांड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड, सो ध्यान से समझिएगा कि डिमांड क्या है। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। डॉक्टर होता क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि डिजायर इज डिमांड, ऑल डिजायर्स आर डिमांड। नो, नेवर, कभी नहीं। डिजायर डिमांड नहीं है बेटा, कभी हो भी नहीं सकते। इफेक्टिव डिजायर, बट इफेक्टिव डिजायर एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। कॉन्सेप्ट डिमांड, द कॉन्सेप्ट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कई बार हम चीजों को परचेज करना चाहते हैं, परचेज करने की इच्छा है, बिल्कुल है, और वहां पे बहुत इच्छा है कि साहब परचेज करना ही करना है, लेकिन क्या है, साहब सफिशियंट मनी नहीं है हमारे पास। जहां पे सफिशियंट मनी नहीं है तो वो डिमांड कैसे हो गया? तो डिमांड के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास सफिशियंट मनी होनी चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डिजायर, अगर हम इफेक्टिव डिजायर की बात करें तो इफेक्टिव डिजायर क्या है? इफेक्टिव डिजायर मीन्स डिजायर टू परचेज समथिंग विथ सफिशियंट मनी एंड विलिंगनेस टू परचेज। अब तीनों चीजें होनी चाहिए वहां पे, क्या? सबसे पहले परचेज करने की इच्छा, डिजायर, देन सफिशियंट मनी एंड देन विलिंगनेस टू परचेज। खर्च करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना, कभी पैसे तो होते हैं लेकिन खर्च करने की इच्छा नहीं होती है। मुझे समोसा खाना है, पैसे नहीं है, तो क्या हुआ? डिजायर। समोसा खाना है, पैसे भी है लेकिन पैसे नहीं खर्च करने, अभी भी क्या है? डिजायर। समोसा खाना है, पैसे हैं, पैसे खर्च करने के लिए तैयार भी हैं, नाउ इफेक्टिव डिजायर। बट इफेक्टिव डिजायर के साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो कि प्राइस और एक टाइम, क्योंकि डिमांड कहीं ना कहीं इफेक्टेड है इन दो चीजों से, एक प्राइस से और एक टाइम से। प्राइस तो सबसे एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि वही तो आपको बताएगा कि आप क्या परचेस करेंगे और क्या परचेस नहीं करेंगे, या आपकी एबिलिटी कितनी है। कई चीजें ऐसी है जो हम रोज परचेस कर रहे थे, और कुछ ऐसी है जो सालों में परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स एंड गोल्ड, वेजिटेबल्स रोज परचेस करते हैं, गोल्ड का रोज परचेस करते हैं, या रोज सोना लेके जाते हैं घर पे, 2 किलो 4 किलो 5 किलो। आज हमारे पापा आए, 20 किलो गोल्ड लेके आए, पॉसिबल है? नहीं ला सकते हैं, वैसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम गोल्ड परचेस करते हैं किसी ओकेजन पर, और वेजिटेबल परचेस करते हैं रोज, डजंट मैटर प्राइस। वेजिटेबल तो रोज खरीदी खरीदी है, कभी सस्ती मिलती है, कभी महंगी मिलती है, कम खरीदे ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन खरीदते हैं, गोल्ड रोज नहीं खरीदते हैं। तो प्राइस डिसाइड करती है कि हम क्या परचेस करेंगे और क्या नहीं, और कितना परचेस करेंगे, क्वांटिटी भी डिसाइड करती है प्राइस। उसके बाद एक पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि तो डिमांड का डिमांड पे इफेक्ट टाइम का भी होता है, टाइम कहीं ना कहीं डिमांड पे इफेक्ट करता है। सो पर्टिकुलर आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना वो है इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर मींस डिजायर टू परचेज समथिंग
with sufficient money and willingness to purchase. That is effective desire. And effective desire at a particular time and at a particular price is called demand. बिल्कुल, वो क्या है? Demand है. तो यहाँ पर आइए कुछ चीजों को clear कर लें. Two things are to be noted about the quantity demanded. उससे पहले तीन चीजें हम पहले मैटर कर चुके हैं यहाँ पे. सबसे पहले क्या था? डिजायर, मीन्स टू परचेज, एंड विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स फॉर द परचेज. मीन्स इफेक्टिव डिजायर. बताया था अभी आपको व्हाट इज इफेक्टिव डिजायर. इफेक्टिव डिजायर क्या है? व्हाट इज इफेक्टिव डिजायर? डिजायर टू परचेज समथिंग विद सफिशियंट मनी एंड विलिंगनेस टू परचेज. दैट इज इफेक्टिव डिजायर. सो दो चीजें यहाँ पे और मैटर कर रही है. आइए, द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट ए गिवन प्राइस. तो एक गिवन प्राइस पर ही होती है डिमांड. बिल्कुल होगी यहाँ पे. एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फ्लो. क्योंकि यहाँ पे जो प्री टाइम है वो टाइम पीरियड है. पर्टिकुलर हमने एक चीज और यहाँ पे क्लियर करनी है अभी. स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक क्या होते हैं और फ्लो क्या होते हैं? जिन लोगों ने पहले इको नहीं पढ़ी है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जानिए बेटा स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं. तो यहाँ पे स्टॉक और फ्लो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. स्टॉक वो होते हैं जिनकी स्टडी की जाती है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ए पॉइंट ऑफ टाइम इज स्टॉक एंड पीरियड ऑफ टाइम इज फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर. तो ये यहां से यहां तक ये क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट. ये पॉइंट है. ये कौन सा है? स्टॉक. एक पॉइंट पर जब आप स्टडी करते हैं किसी कॉन्सेप्ट की तो क्या होते हैं? स्टॉक होते हैं. जैसे 31 मार्च 2019, तो उस दिन पर्टिकुलर ये हुआ, तो वो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया. तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? स्टॉक हुआ. लेकिन 31 मार्च से लेके और 31 जुलाई तक क्या हुआ? अब वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका? फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया. जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है वो होता है फ्लो कॉन्सेप्ट. तो जब स्टडी की जा रही है पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिसको आप पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, आपका बर्थडे स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फिक्स डेट पे आता है, और फ्लो कॉन्सेप्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है. तो आपकी एक पूरी सेशन चल रहा है, क्लास स्टार्ट हुई है आज, यहां से चलेगी कहां तक? एंड तक, टिल एंड. तो वो क्या हो गया? कौन सा कॉन्सेप्ट? फ्लो. तो डिमांड की स्टडी भी करते हैं हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं. फॉर एग्जाम्पल, 1000 dozen of oranges per day, 7000 dozen of oranges per week, and so on. तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड की बात आ गई है, तो वहां पर जब आप टाइम पीरियड की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट बन जाता है आपका फ्लो. तो पीरियड ऑफ टाइम इज फ्लो, पॉइंट ऑफ टाइम इज स्टॉक. तो यहाँ पर स्टडी है फ्लो की, स्टॉक की नहीं. तो समझिए स्टॉक और फ्लो को, और थोड़ा सा चलते हैं आगे. इन शॉर्ट, एक चीज और क्लियर कर लेते हैं. बाय डिमांड वी मीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए गिवन कमोडिटी और सर्विस विच कंज्यूमर्स वुड बाय इन वन मार्केट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस और एट वेरियस इनकम और एट वेरियस प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट करेगी और अदर फैक्टर्स पर उसको काउंट किया जाएगा. चलिए आइए देखते हैं. What determines demand? Demand को कौन determine कर रहा है? आइए determinants देख लें एक बार. सबसे पहले price. सबसे पहले demand को effect कौन करता है? Price of the commodity. Then consumer. Expectations भी होती है हमारी. Some other factors. Taste preferences of consumer. क्या चीज purchase करना पसंद करते हैं आप? जो आपको पसंद होती है वही तो परचेस करते हैं. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर करते हैं. हैबिट भी होती है कई बार, मैटर करती हैं. इनकम, इनकम तो डिसाइड करेगी कि आपके बजट में क्या है, आप क्या परचेस कर सकते हैं, क्या परचेस नहीं कर सकते हैं. कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? वहाँ पे डिसाइड करेगा आपकी इनकम. एंड देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी तो डिमांड को इफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं पेप्सी एंड कोक. पेप्सी की प्राइस है 10 रुपीज़, कोक की भी प्राइस है 10 रुपीज़.
पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो जाती है 10, कोक की कांस्टेंट है, क्या उस केस में कोक की डिमांड पर कोई इफेक्ट होगा? कोक की डिमांड पर कोई इफेक्ट होगा? यस, कोक की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। रीजन, पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो गई है एंड वी आर रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर जिसका एक ही एम होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम एक्सपेंडिचर, खर्चा लगे कम से कम, सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा। इसने बार्गेन करके आज तक प्राइस कम ही करवाई ना, कभी बढ़वाई है क्या प्राइस? कि टमाटर लेने चले गए, टमाटर कैसे दिए 10 रुपए किलो, मैं तो 20 रुपए दूंगा, बोला कभी आपने 20 रुपए दूंगा मैं, 30 ले ले मुझसे, 40, 50, क्यों? 10 बोलेगा तो हम कितने बोलेंगे? 8, वो 8 बोलेगा तो 6, 6 बोलेगा तो 4। तो हम हमेशा प्राइस को क्या करवाते हैं? डिक्रीज, बार्गेन करते हैं प्राइस को डिक्रीज करवाने के लिए, इंक्रीज करवाने के लिए नहीं, बिकॉज वी आर रेशनल कंज्यूमर। तो यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुई है किसकी? पेप्सी की, और डिमांड डिक्रीज हुई है कोक की। कोक की तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड पे इफेक्ट किसका हुआ? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। बड़े अजीब और गरीब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड, और कई बार बहुत मुश्किल हो पाता है पता लगा पाना कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स इंक्रीजेस, ब्लू जीन्स की प्राइस इंक्रीज हो गई, एंड स्पोर्ट शूज की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो दोनों का रिलेशन क्या हुआ? प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स, जीन्स समझते हैं, जीन्स, जीन्स पहनते हैं हम लोग। प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉर स्पोर्ट शूज ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ब्लू जीन्स एंड स्पोर्ट शूज? अब कई लोग सोचेंगे इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, पर ऑप्शन है ना हमारे पास, तो चार ऑप्शन में से एक टिक करना है आपको। पहला ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सी है बोथ, डी है नन ऑफ द अबव, क्या करें बताइए? अब जीन्स और शूज सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकते ना, सब्स्टिट्यूट है क्या? जीन्स नहीं मिली, जूते पहन लिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स समझते हैं आप लोग? तो मेरे नॉन इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट जानेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं लाइक पेप्सी एंड कोक, विच कैन बी यूज फॉर प्लेस ऑफ ईच अदर, एक की जगह पर दूसरा यूज कर लेते हैं तो सब्स्टिट्यूट हो गया उसका। क्रिकेट देखते हैं हम लोग, क्रिकेट में क्या होता है? एक प्लेयर को चोट लग जाती है, दूसरा आके उसके फील्डिंग करता है, क्या होता है वो? सब्स्टिट्यूट प्लेयर। नोटिस किया कभी आपने? सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं उसको, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसी को, तो उसका कौन सा प्लेयर हुआ? सब्स्टिट्यूट प्लेयर हो गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गई? इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, तो वो सब्स्टिट्यूट होती हैं। तो ये क्या सब्स्टिट्यूट है? लगती तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री लाइक कार एंड पेट्रोल। अब कार एंड पेट्रोल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि कार है तो पेट्रोल चाहिए, जो साथ में इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं एक साथ, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसके बिना वो नहीं और उसके बिना ये नहीं, दोनों को साथ साथ यूज करना पॉसिबल है, अलग अलग नहीं। तो कौन से गुड्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? हो सकते हैं मे बी। तो क्वेश्चन को रिपीट करता हूं वापस, क्वेश्चन था कि अगर ब्लू जीन्स की प्राइस इंक्रीज होती है और स्पोर्ट शूज की डिमांड इंक्रीज होती है तो दोनों का रिलेशन बताइए, क्या वो सब्स्टिट्यूट हैं, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बोथ हैं, नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर है सब्स्टिट्यूट। एग्जैक्टली, आपको अजीब लग रहा होगा कि सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकते हैं जीन्स और शूज, तो बेटा यहां पर आंसर देना है अकॉर्डिंग टू रिलेशन। और रिलेशन क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई है और यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुई है, और ऐसा कब हुआ था? व्हेन टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट। इसी के केस में देख लो, पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हुई थी और कोक की डिमांड डिक्रीज हो गई थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो लेवल एक लेवल अप है, उस लेवल पे जाना है हमें, जहाँ पे एक लेवल अप, दिमाग उस लेवल पे रेडी करना है, क्योंकि ऐसे ये तो शुरुआत है। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके चार ऑप्शन सही होंगे,
हाँ ऐसे क्वेश्चंस हैं, चारों ऑप्शन सही। अब क्या करें, बेस्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं, जहां पे चार ऑप्शन सही हो वहां पे जाएंगे आप बेस्ट ऑप्शन पे। और बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करना है वो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि अगर भैया चारों ऑप्शन सही हो तो बेस्ट ऑप्शन पे कैसे जाना है आपको बताएंगे हम। और एक बार आप उसमें एक्सपर्ट हो गए उसके बाद चारों सही आने दीजिए ना, कौन मना कर रहा है, हम बिल्कुल रेडी हैं। हम ये कहेंगे भैया जितने टफ क्वेश्चन दे सकते हो ना दे दो, हम तैयार बैठे हैं यहाँ पे, और हम हर क्वेश्चन का आंसर देंगे और सही आंसर देंगे। यहाँ पर डिमांड के डिटरमिनेंट्स आपने देखे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। तो प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी ये तो आपने देख ही लिया। यहाँ पर रिलेटेड गुड्स की बात करें तो मैंने अभी आपसे कहा था दो होते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और दूसरे सब्स्टिट्यूट होते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, जो साथ साथ में यूज होते हैं, मैंने अभी आपको बताया साथ साथ में यूज करते हो ना आप। कार है और पेट्रोल नहीं है, तो हमारे पास कार है पेट्रोल नहीं है तो क्या करें, क्या करें, धक्का लगा ले उसको। और पेट्रोल है कार नहीं है तो क्या करें, तो आग लगा दे किसी को। बेसिकली वो दोनों यूज नहीं हुए ना उसके, क्या हुए दोनों का, मिस यूज। कार का भी और पेट्रोल का भी यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। तो साथ में यूज होते हैं लाइक टी एंड शुगर, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ये सब कौन से गुड्स हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बाद दूसरे हमारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं चलिए वो भी क्लियर कर देते हैं। आइए सो यहां पे कब है दो गुड्स सब्स्टिट्यूट, वेदर दे सेटिस्फाई द सेम वांट एंड कैन बी यूज विद ईज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जहां पर आप एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं लाइक टी एंड कॉफी। घर में गैस है, टी नहीं है तो क्या कॉफी पिला देंगे, इंक पेन नहीं है तो बॉल पेन से काम चला लेंगे। So, which can be used in place of each other is substitute goods. यहाँ पे आपके substitute goods हैं। अगर बात relation की आती है तो substitute good में price और demand का जो relation है वो positive होता है। कैसे होता है, अभी हमने Coke और Pepsi के example में देखा था। Coke की price 10, Pepsi की 10. In case Coke की price decrease होती है और Pepsi की constant है तो उस केस में पेप्सी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि लोग प्रेफर करेंगे कोक को। यहाँ पर रिलेशन क्या हुआ, प्राइस भी डिक्रीज और डिमांड भी डिक्रीज, सो माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, तो यहाँ पर रिलेशन पॉजिटिव है। और इन केस अगर कोक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस में पेप्सी की डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर कोक की प्राइस इंक्रीज हो जाए, कोक की प्राइस 12 रुपीज हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पेप्सी की प्राइस कम है, और पेप्सी की प्राइस कम है तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो टोटली पॉजिटिव है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में ये नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि अगर पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज होती है तो कार की डिमांड इंक्रीज होती है, और जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है तो कार की डिमांड डिक्रीज होती है। अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, पेट्रोल की प्राइस हो गई 1000 रुपये पर लीटर, ना हो क्या करेंगे, 1000 रुपये लीटर पेट्रोल है तो कार चला लेंगे हम लोग, मैं तो नहीं चला सकता, आप चला लेते, मुझे पता नहीं चला सकते आप, अमीर लोग हैं बिल्कुल, 1000 रुपये लीटर पेट्रोल आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, तो आप आराम से 1000 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाइए। लेकिन नॉर्मली आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं कि 1000 रुपये लीटर पेट्रोल वो अफोर्ड कर सके। उस केस में अगर पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाएगा तो ऑटोमोबाइल्स की डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस कार की इंक्रीज नहीं हुई है, प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल की, और डिमांड डिक्रीज हो गई है कार की, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस। रिलेशन क्या हो गया, नेगेटिव। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा बहुत काम आएगा। बढ़ते हैं आगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बिल्कुल इकोनॉमिक्स में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं लाइक लग्जरी, नेसेसिटी, सुपीरियर, इंफीरियर। तो आज क्या है कि पहले क्लियर कर लेते हैं एक बार, कहीं ना कहीं डेली कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो इन चीजों को आज ही खत्म कर देते हैं, ना आगे रहेंगे ना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
इस लड़ाई को आज ही खत्म कर देते हैं। तो ना तो इस दुनिया में कोई चीज लग्जरी है, ना ही नेसेसिटी है, ना सुपीरियर ना इंफीरियर, पर्सन टू पर्सन, केस टू केस मैटर करता है। एक आदमी के लिए जो चीज सुपीरियर है दूसरे के लिए वही चीज इंफीरियर है, सेम सेम प्रोडक्ट। एक आम आदमी की बात करें तो एक आम आदमी के लिए मर्सिडीज कार क्या है, सुपीरियर है कि इंफीरियर, घटिया है कि बढ़िया है? आंसर है साहब सुपीरियर है, इंफीरियर तो कैसे होगी, सुपीरियर ही है। लेकिन अंबानी के लिए, उसके पास तो उससे भी महंगी महंगी कार्स हैं, तो उसके लिए वही कार क्या हो गई, इंफीरियर। हमारे लिए क्या है, सुपीरियर, उसके लिए क्या है, इंफीरियर। प्रोडक्ट तो एक ही है, एक ही प्रोडक्ट, मर्सिडीज कार एक आम आदमी के लिए सुपीरियर है ब्रेड के लिए, एक आम आदमी के लिए सुपीरियर है, लेकिन अंबानी के लिए वही चीज इंफीरियर है। एक ही प्रोडक्ट है लेकिन पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। नेसेसिटी एंड लग्जरी, एक आम आदमी बुलेट प्रूफ कार ले रहा है, क्या है उसके लिए, लग्जरी है वो। लेकिन वही कार मोदी जी के पास है तो क्या है, नेसेसिटी है। उनके लिए बुलेट प्रूफ कार होना क्या हो गया, नेसेसिटी। आम आदमी के लिए क्या हो गया, लग्जरी। मैटर क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। एक आदमी के लिए जो चीज सुपीरियर, दूसरे के लिए वही चीज इंफीरियर। एक के लिए लग्जरी, दूसरे के लिए नेसेसिटी। तो यहां पर एक चीज क्लियर कीजिएगा कि यहां पर ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये मैटर होते हैं, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन एंड केस टू केस, ये टॉपिक चेंज होते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को हम नाम नहीं दे सकते कि ये सुपीरियर और ये इंफीरियर है, ये लग्जरी है और ये नेसेसिटी है। तो यहाँ पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी डिसाइड करेगी डिमांड को, कहीं ना कहीं डिमांड पर इफेक्ट इनकम की कंज्यूमर का भी, कंज्यूमर की इनकम का भी होता है, इनकम कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, लग्जरी गुड्स पे जाएगा वो। आज तक जो चीज़ है वो कंज्यूम कर रहा था ना, वो उसको इंफीरियर फील होने लगेगी थोड़े टाइम बाद, उसको लगेगा नहीं यार ये प्रोडक्ट तो इन्फीरियर है, कहाँ चलना चाहिए, सुपीरियर पे चलना चाहिए, बढ़िया प्रोडक्ट पे चलना चाहिए। कल तक एक आदमी की इनकम कम थी, मारुति 800 से काम चला रहा था, इनकम इंक्रीज हो गई तो क्या बोलेगा, बोले साहब अब तो स्विफ्ट लेनी पड़ेगी, अब तो बेटर कार पे जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डिमांड पर कहीं ना कहीं इफेक्ट इनकम का भी होता है, इनकम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है डिमांड को। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करें तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी इफेक्ट करते हैं डिमांड को। आदमी पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट परचेज करता है जो उसको पसंद होता है, जो पसंद नहीं होता उसको परचेज करने में उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट भी होते हैं, दिखावा। बहुत सारे प्रोडक्ट हम क्यों परचेज करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ करना होता है शो ऑफ। यहाँ पर थोड़ी सी इम्पैक्ट कीजिएगा, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा और याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं, वही आगे जाके स्नोब इफेक्ट हो जाएगा, वही आगे जाके वेबलन इफेक्ट हो जाएगा। सो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। An individual demand for LCD LED television may be affected by seeing one in his neighbors or friends house. पड़ोसी के घर में तो LED है, हमारे घर में पुराना TV है, तो हटाओ हम भी LED लगाएंगे, उसका स्मार्ट TV तो हमारा भी स्मार्ट TV होना चाहिए, कौन सा इफेक्ट है ये, डेमोन्स्ट्रेशन बैंडवैगन। यहाँ पे नेबर्स फ्रेंड्स को देखा और देख के हमारी इच्छा होगी कि हम भी परचेस करेंगे, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर इफेक्ट किससे कर रही है, सिर्फ शो ऑफ और बैंड वैगन इफेक्ट। तो बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं बैंड वैगन इफेक्ट भी होते हैं, स्नोब इफेक्ट भी होते हैं, कई बार प्रीशियस गुड्स जो हैं वो भी हम यहाँ पर मैटर करती हैं हमारे लिए। कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस गुड्स भी होती है, कई बार प्राइस इंक्रीज होती है, ज्यादा प्राइस पर भी डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर हमारी सोच ही होती है कि क्वालिटी बेटर होगी, होता है ना कई बार।
एक पेटीज 20 रुपए की, एक पेटीज 40 रुपए की, हम क्या सोचते हैं 40 वाली खाएंगे क्योंकि 40 रुपए की दे रहा है, इट मीन्स बेटर होगी, कोई ना कोई इसमें स्पेशल फीचर्स होंगे, कोई ना कोई बेटर चीज़ होगी इसके अंदर, पनीर वाली होगी, ऑस्पिशियस मैटर करती है, प्राइस ज़्यादा और डिमांड ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो हमारा वेबलैंड इफेक्ट भी होता है, स्नोप भी होता है, डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन इफेक्ट भी होते हैं, ये सारे इफेक्ट इफेक्ट करते हैं डिमांड को। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस, अगर आपको पता लगे कि फ्यूचर में किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, क्या करेंगे? अगर आपको पता लगे कि आज पेट्रोल 80 रुपए लीटर है और कल सुबह वो 85 हो जाएगा, अगर आपको पता चल जाए ऐसा होने वाला, तो क्या करेंगे आप? 80 था, कल सुबह कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, क्या करेंगे आप? तो बेसिकली आज उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, आज, कल नहीं, आज, क्योंकि हम पहले से स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर डिमांड को किसने इफेक्ट किया? फ्यूचर प्राइसेस ने। और आपको पता लगेगा कि आज 85 है और कल 80 हो जाएगा, तो क्या होगा? आज डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग वेट करेंगे कल का, जब कल प्राइस डिक्रीज होगी और कल हम इसको परचेज करेंगे। उसके बाद कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और वो होते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। बिल्कुल, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, ग्रेटर इज द डिमांड फॉर कमोडिटीज। सिंपल सी बात है, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है सभी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 121 करोड़ 121 करोड़ हम लोग हैं, और यहाँ पर इतने लोग हैं तो डिमांड क्या होगी? ज़्यादा ही तो होगी। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2.5 लाख, तो 2.5 लाख लोग कितनी डिमांड कर लेंगे? जितने 121 करोड़ लोग कर सकते हैं, कितनी डिमांड होगी कि वहाँ पे? तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिमांड क्या होगी? कम होगी। हमारे यहाँ पर डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पर डिमांड को कौन इफेक्ट कर रहा है? साइज ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, वो भी मैटर करेगी। ज़्यादा ओल्ड पर्सन है तो क्या होगा? वहाँ पर डिमांड किसकी होगी? वॉकिंग स्टिक्स चाहिए, चश्मे चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगी? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में ज़्यादा ज़्यादा जो क्वांटिटी है बच्चों की है, तो किस चीज़ की डिमांड होगी इकोनॉमी में? तो वहाँ पे डिमांड होगी किसकी? टॉयज, बेबी फूड, टॉफीज, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैटर करता है कंपोजिशन, देन नेशनल इनकम, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नेशनल इनकम हाई है, इनकम का लेवल हाई है और पर कैपिटा इनकम भी हाई है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, रिच और पुअर का डिफरेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बेसिकली वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होने वाली है। लेकिन अगर लेवल ऑफ इनकम कम है वहाँ पे और इनकम जो है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिमांड हमेशा ही कम होने वाली है, ज़्यादा कभी नहीं होगी। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, चीज़ उधार मिल जाती है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ले भी लेते हैं, आजकल तो हर चीज़ पे मिलता है ऑफर, 0% इंटरेस्ट पे ले जाओ, आसान किस्तों में चुकाओ, क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे? मार्केट डर जाता है। जो चीज़ हमारी कैश परचेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जहाँ पे हम कैश नहीं खरीद पा रहे हैं वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? तो जहाँ पे कैश नहीं खरीद पा रहे हैं वहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो हम चीज़ों को खरीद लेते हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जरूर मैटर करेगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम लग रही है, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, इंटरेस्ट रेट कम लग रही है, तो हम बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे परचेज करने के लिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग रही है, चाहे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिमांड कम ही होने वाली है, ज़्यादा नहीं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो, फाइनेंस अवेलेबल हो और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो, तो बेसिकली डिमांड वहाँ पे ज़्यादा होने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, ये तो सिर्फ थ्योरी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इस चैप्टर में आने वाले हैं, और इन फैक्ट को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि डिमांड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो डिमांड और सप्लाई से आगे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं। आधा मार्केट चैप्टर इसी पे टिका हुआ है, डिमांड और सप्लाई पे, तो डिमांड सप्लाई दोनों को बहुत डिटेल से स्टडी करना है आपको।
तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, इससे आगे की डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन एंजॉय।